नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ही नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। राज्यपाल राम नरेश यादव की उपस्थिति में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम। महिला बाल विकास विभाग तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 2014-15 के नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना गया। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को वर्ष 2014-15 के नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 30-31 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में 18वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की अनमोल परियोजना को CATX इनोवेटिव यूज फॉर ICT बाय स्टेट गवर्नमेंट श्रेणी में इस प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। जवाहर बाल भवन की सदस्य सचिव और आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव को यह पुरस्कार ग्रहण करने केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में नागरिकों की स्वास्थ्य जांच और उपचार व्यवस्थाओं की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री चौहान ने तत्कालीन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीणा सिन्हा को भेजे अर्धशासकीय पत्र में प्रशंसा करते हुए कहा है कि राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने, राज्य में लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई समस्त सुविधाओं की उपलब्धता, गत नवम्बर माह से स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के रूप में सुनिश्चित की गई है। योजनाओं के अमल का पैमाना उनके क्रियान्वयन एवं प्राप्त परिणामों पर निर्भर है। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवणे ने बताया कि भोपाल नगर निगम निर्वाचन के लिए मतदान के दिन 31 जनवरी 2015 को भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सभी केंद्र एवं राज्य शासन की शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय और निजी संस्थाओं में अवकाश घोषित किया गया है। नगर निगम भोपाल के मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश घोषित नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार 30 जनवरी को समस्त ज्ञात अज्ञात शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य शासन ने सभी शासकीय विभाग, कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को शहीद दिवस पर मौन धारण की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने प्रति सप्ताह मंत्रालय में उनसे भेंट कर समस्याओं से अवगत करवाने वाले आवेदकों के मामलों की नियमित समीक्षा की व्यवस्था की है। हाल ही में जन शिकायत निवारण विभाग के अधिकारी दल ने विभिन्न जिलों का भ्रमण कर लंबित समस्याओं के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव डिसा ने जन शिकायत निवारण विभाग के ऑडिट दल के प्रतिवेदन के आधार पर 6 कलेक्टर और 3 पुलिस अधीक्षक को प्रशंसा पत्र देने के निर्देश किए हैं। राज्य शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जिला स्तर पर शासकीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। शासन ने इस संबंध में सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। शासन के अनुसार यदि विद्यालयों को बंद करने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो संबंधित कलेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा निर्णय कर सकेंगे। समय समय पर शासकीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा ले लिया जाता है। विद्यालय बंद रहने से शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MSTV। नमस्कार।